A very good morning, my dear students. Welcome to your class of mathematics. Today we will discuss about forward counting for addition. Addition के लिए forward counting. चलें अब देखते हैं. Forward counting है हमारे पास counting लिखी है 0 से 20 तक. अब हमें क्या करना है? Add करना है 3 और 5 को. अगर हमें 3 और 5 को add करना है, तो हम क्या करेंगे? 3 से शुरू करेंगे और 5 time आगे जाएंगे. तो 3 से शुरू करना है, 3 में 5 add करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5. 5 टाइम्स आगे जाके किस पे आए हम? 8 पे आए ना, 8 नंबर पे. तो 3 प्लस 5 कितना होगा? 8. इसी तरह से फॉरवर्ड काउंटिंग करके हम ऐड करेंगे. ओके, चलिए देखते हैं. पहले देखते हैं 5 प्लस 1 इज. अब 5 प्लस 1 कैसे ऐड करेंगे? आप 5 से शुरू करेंगे और 1 टाइम जाना है आगे, तो दैट इज 6. कौन से नंबर पे आए हम? 6 पे. तो 5 प्लस 1 कितना होगा? 6. इस ब्लॉक में क्या लिख देंगे आप? 6. इसी तरह से 6 प्लस 2, 6 से शुरू करेंगे, 2 टाइम्स आगे जाएंगे. क्या करना है? 6 से शुरू करना है, 2 टाइम्स आगे जाना है. यानी 6 से शुरू किया, 2 टाइम्स आगे गए. 1, 2. कौन से नंबर पे आए? 8 पे. तो इस बॉक्स में क्या लिख देंगे आप? 8. तो 6 प्लस 2 इज 8. इसी तरह से 7 प्लस 2 इज 9 एंड 9 प्लस 1 इज 10. 8 प्लस 1 इज यस 9. इसी तरह से आपको ये पूरा जो है सम्स, ये सब परफॉर्म करने हैं नंबर लाइन में. चले देखते हैं. अब ये देखते हैं 10 प्लस 2 इज. 10 प्लस 2 करना है ना, तो चले सबसे पहले कहाँ जाएंगे? 10 पे. 10 में 2 प्लस करना है, तो 1, 2. क्या आया? 12. तो इस बॉक्स में क्या लिख देंगे आप? इस बॉक्स में क्या लिखेंगे आप? 12. ठीक है. इसी तरह से 14 प्लस 4. अब 14 में 4 ऐड करना है. चलिए अब ये भी देखते हैं 14 प्लस 4 इज. चले अब परफॉर्म करके देखते हैं. 14 प्लस 4, 1, 2, 3, 4. कौन से नंबर पे? 18 पे. तो उस ब्लॉक में क्या लिखेंगे आप? 18. चले देखते हैं. तो यहाँ क्या लिख देंगे? 18. इसी तरह से आपको एडिशन जो है फॉरवर्ड काउंटिंग पे परफॉर्म करना है और ऐड करके ये सभी सम्स सॉल्व करने हैं अपनी मैथ्स की बुक में. ओके माई डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे.